हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं DML यानी कि ड्रैगन मनी लेजेंड्स। तो ड्रैगन मनी लेजेंड्स में आज हम लोग गाइस ब्लैकबेरी ड्रैगन को हैच करने वाले, जो कि यार DML का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एपिक ड्रैगन में काउंट होता है। मैं इसलिए उसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एपिक ड्रैगन बोल रहा हूँ क्योंकि उसका भी रेयरिटी एपिक होकर भी 73 अटैक लेवल है, जो कि एक लेजेंडरी का भी नहीं हो पाता है। मतलब सोच लो ये ड्रैगन कितना ज्यादा तबाही है। हेल्थ लेवल से इसे जज बिल्कुल भी मत करना, हेल्थ लेवल इसका काफी कम है, 194 है, बट हेल्थ लेवल आगे जाके सही हो जाता है। तो इसके एलिमेंट्स गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसके जो एलिमेंट्स का भी कॉम्बिनेशन है इतना ज्यादा खतरनाक है ना भाई। देखो मेरे बनाना से भी ज्यादा खतरनाक इसका जो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है वो है भाई, मतलब तबाही मचा देगा ये ड्रैगन। और इसके एलिमेंट्स आपने देख लिए होंगे, शेडो, एनर्जी और प्लांट। तो प्लांट है तो भाई इसका अटैक लेवल भी ज्यादा है, तो भाई प्लांट से कैसे मारेगा अंदाजा लगा हुआ। तो चलो गाइस अभी हम इसे फीड करेंगे। तो वीडियो काफी बढ़िया है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना। ऐसी वीडियोस में हर रोज लाते रहता हूँ। चलो यार हम अपने काले से ब्लैकबेरी ड्रैगन को थोड़ा सा फीड करते हैं। मैं इसे गाइस 27 के ऊपर नहीं करूंगा क्योंकि ये एपिक ड्रैगन है, अगर लेजेंडरी होता तो मैं 30 कर ही देता। आप सभी को पता ही है मैं जब भी लेजेंडरी ड्रैगन का हैचिंग वीडियो लाता हूं, उसे 30 लेवल का तो करता ही करता हूं। चलो गाइस अभी यहां पे हमने कर दिया इसे लेवल 27 का। अभी हम लोग इसे ट्रेनिंग करवाने वाले हैं जिससे कि इसका जो अटैक लेवल है थोड़ा सा बढ़ जाएगा और हमें पहचानने में आसानी होगी ये कितना स्ट्रॉन्ग ड्रैगन है और इसका स्ट्रॉन्ग लेवल कितना ज्यादा है। तो चलो गाइस अभी हम लोग इससे थोड़ा सा गोल्ड लेते हैं, गोल्ड भी अच्छा दे रहा है 27 लेवल पर। चलो गाइस ट्रेनिंग करवाते हैं इसे। यहाँ पे गाइस हमने इसे परफेक्ट ट्रेनिंग 0 मिस के साथ करवा दिया है। अभी ये बैटल करने के लिए एकदम रेडी है। तो चलो गाइस अभी हम लोग थोड़ा सा गोल्ड वगैरह लेते हैं। अभी हम लोगों का एक मेन गोल है, मेरे पास शायद एक एनर्जी पड़ा हुआ है एरिना का, तो अभी हम लोग एक एरिना मैच खेलने वाले हैं क्योंकि मुझे फटाफट से रैंक पुश भी करना है। और कुछ दिनों बाद मेरे पास देखो यार 16 मिलियन फूड पड़े हुए हैं, बट अभी मैं नहीं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगा अपने आरपी के ऊपर, क्योंकि देखो यार अगर मैं ज़्यादा उसे 60 लेवल का कर दूंगा मेरा लीग अप हो जाएगा, और लीग अप में अभी के लिए तो यार 100-100 लेवल के 100-100 लेवल के भी बंदे आते हैं, तो तब उस लीग में कितने लेवल के आएंगे मतलब अंदाजा लगाओ आप। तो इसलिए मैं कुछ दिनों बाद सोच समझ कर उसे 60 लेवल का करूँगा और तभी जाके हमारा लीग अप होगा। तो मैं अभी लीग अप के लिए बिल्कुल भी नहीं खेल रहा हूँ, उतना भी रैंक पुश के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं खेल रहा हूँ। मुझे बस वो ट्रिंकलेट्स चाहिए, एन्चेंटमेंट मटेरियल चाहिए। तो चलो गाइस ये वाला खेलते हैं। यहाँ पे 71 लेवल का हार्पी ड्रैगन है, एक शॉट मारेंगे। वाह 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 वाह, क्या शॉट, एक शॉट में मारा यार, 71 लेवल का था बनाना ओपी। और यहाँ पे भाई साहब सबड्यू है इनके पास, सबड्यू का यूज़ आपको पता ही होगा यार। सबड्यू से अगर सामने वाले ड्रैगन के पास सबड्यू एक सिगिल है, वो सिगिल सामने वाले ड्रैगन के पास हुआ, अगर उसने आपके ड्रैगन को हमला मारा, आपका जो सिगिल है वो वर्क करना बंद कर देगा भाई, काम करना ही बंद कर देगा। इतना खतरनाक सिगिल भाई साहब, वैसे कम बंदे यूज़ करते हैं बट है बड़ा खतरनाक। यहाँ पे दोनों सामने जो एक ड्रैगन है मिडिल वाला, इसके पास भाई साहब सबड्यू है, तो इससे थोड़ा सा संभल के तो मुझे क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे एनर्जी मारेंगे, काफ़ी डैमेज कर दिया मैंने, अभी मुझे मारना पड़ेगा इसे, सबड्यू ना कर दे। अरे भाई हाँ गाइस, हर बार जो है अगर ये शॉट मारेगा मुझे सबड्यू नहीं होगा, मतलब इसका सबड्यू हर बार अगर इसने शॉट मारा तो ऐसा भी नहीं है कि हर बार काम करेगा, हर बार मेरा सिगिल इनएक्टिव हो जाएगा। ऐसा होता तो भाई ये गेम का बेस्ट सिगिल होता, बट ये बेस्ट सिगिल नहीं है, कभी कभी काम कर जाता है, कभी कभी नहीं भी करता है, जैसे क्रुएल्टी वगैरह है, और चांसेस उसके थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो चलो गाइस अभी हम लोग इस रेडियंट ड्रैगन को मारने की कोशिश करते हैं। रिबर्थ भी था इसके पास इसलिए बच गया, वरना कब का मर जाता। चलो 2 मिलियन का डैमेज देखे, हमने इसे ख़त्म कर दिया है। तो ये देखो गाइस हमारा लीग अप नहीं हुआ, क्योंकि यार देखो मेरे पास तो दो ड्रैगन 70 लेवल के, बहुत ज़्यादा लेवल के हैं,
बट एक ड्रैगन यार मुझे 60 का भी चाहिए, तो बनाना मतलब हारपी को मैं अभी के लिए 60 का बिल्कुल भी नहीं करूँगा। किस लिए नहीं करूँगा आपको मैंने पहले बता ही दिया है। तो चलो गाइस यहाँ पे आप लोगों को मुझे अपनी इन्वेंट्री दिखानी है। यहाँ पे मेरे इन्वेंट्री में ज़रा देखो कितने सारे नए नए एपिक ड्रैगन पड़े हुए हैं, और इनका भी गेम प्ले वीडियो सुनाने वाला है। वरना यार इनसे इनके तो कुछ गेम प्ले वीडियोस यार कुछ दिनों पहले ही आ जाते, क्योंकि यार मैं आजकल प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा हूँ कुछ रीज़न की वजह से। और यहाँ पे हमारा गार्डियन ड्रैगन, लेजेंडरी गार्डियन ड्रैगन भी रेडी है आज के लिए, और अगला वीडियो शायद हमारे लेजेंडरी गार्डियन ड्रैगन के हैचिंग वीडियो ही होने वाला है। तो चलो गाइस अभी हम लोग बैटल करने चलते हैं। और हाँ यार, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, स्पेशली बैटल को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जो हम लोग बैटल खेलने वाले हैं उसमें मैं इसका बेस्ट एलिमेंट बताऊंगा आप लोगों के लिए। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं इसका बेस्ट स्किल कॉम्बिनेशन बताऊंगा। एक तो ये ड्रैगन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर वो स्किल कॉम्बिनेशन आप लोगों ने यूज़ किया तभी मचा सकता है ये ड्रैगन। तो यार ये कौन से मोड के लिए बना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट वो बहुत सारे बंदों को पता चल ही गया होगा। चलो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ड्रैगन सिलेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे ड्रैगन सिलेक्शन में हम लोगों ने ले लिया है ब्लैकबेरी, सेकंड में हमने वो बंडित ड्रैगन ले लिया है केक वाला, और थर्ड में हमने ले लिया लेजेंडरी सन ड्रैगन। तो सबसे पहले मैं शैडो एलिमेंट से स्टार्ट करना चाहूँगा। यहाँ पे इसका एवरेज डैमेज देखें, 10.5k का डैमेज दे रहा है, बट मैंने जो एक्सपेक्ट किया था इसे 11k का डैमेज देना था, बट इसने यार देखो दिया है 10.5k का, मतलब 10.4k का ही दिया है, और शायद 26 होता तो 10.5k, चलो 10.5k इसका एवरेज मान लो। यहाँ पे कितना डैमेज देगा, मैं वैसे मैंने परफेक्ट हिट नहीं मारा है इसलिए 9 point का डैमेज कम डैमेज पड़ा है अभी के लिए। और अभी यहाँ पे एक और शॉट मारेंगे, यहाँ पे क्या पता इसका हाइस्ट डैमेज पता चल जाए। यहाँ पे एक शॉट 10.7k का इसने डैमेज दिया है, मतलब और 28 का डैमेज देता तो 10.8k। तो देखो यार कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये 11k का भी डैमेज मार दे। तो इसके बेस्ट एलिमेंट की अभी की हम लोग बात करते हैं। इसके पास तीन एलिमेंट्स ही बहुत ज़्यादा खास है, उनमें से आप सभी को पता ही होगा वो दो एलिमेंट बहुत ज़्यादा काम के। फर्स्ट इसके सबसे बेस्ट एलिमेंट है प्लांट, सेकंड नंबर पर इसका है एनर्जी। एनर्जी यार देखो बहुत ज़्यादा अच्छा डैमेज देता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, और बाकी आप सभी के एक्सपीरियंस के हिसाब से बाकी कोई एलिमेंट सबसे आपका फेवरेट होगा, आपको ज़्यादा पसंद होगा, बट ज़्यादातर बंदे प्रेफर करते हैं एनर्जी। भाई सब तीनों बंदों को, मतलब तीनों ड्रैगन को बहुत अच्छा डैमेज देता है। भाई साहब ये क्या डैमेज डील कर रहा है, और आपने देखा था भाई साहब क्या खतरनाक, अगर इसका जो शैडो एलिमेंट है अगर आप किसी के ऊपर मारोगे इतना डैमेज देगा, मतलब सामने वाले की निकल जाएगी भाई, खतरनाक है ये। और इसके बेस्ट स्किल कॉम्बिनेशन की बात की जाएगा, इसका बेस्ट स्किल कॉम्बिनेशन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप लोग यूज़ कर सकते हो इसके साथ क्रुएल्टी प्लस बर्सर्कर। देखो यार बर्सर्कर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसका जो हेल्थ लेवल है वो काफ़ी कम है, हेल्थ लेवल से पहले मैं बोल दे रहा हूँ इसे जज बिल्कुल भी मत करना, हेल्थ लेवल मैटर नहीं करता है, हमें अटैक लेवल पर ही ऑलवेज फोकस करना चाहिए। आपको बर्सर्कर यूज़ करना है क्योंकि इसका हेल्थ लेवल कम है, अगर हेल्थ लेवल इसका लो हो जाएगा थोड़ा सा, मतलब बर्सर्कर का ये है कि भाई अगर आपके ड्रैगन का हेल्थ लो होता है डैमेज बूस्ट उसे बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तो भाई क्रुएल्टी से जो है क्रिटिकल रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बर्सर्कर जो है बर्सर्कर से आपके ड्रैगन का डैमेज बूस्ट हो जाएगा, और मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज बूस्ट मिलेगा अगर आपका ड्रैगन लो एचपी का हो जाएगा। वैसे तो इसका हेल्थ लेवल थोड़ा सा कम है, मतलब सोच लो भाई कितना ज़्यादा डैमेज देगा। और आपने गेस कर ही लिया होगा गाइस, ये ड्रैगन ओनली एंड ओनली एरिना के लिए बना है। देखो यार इसका डिफेंस उतना ज़्यादा नहीं है हेल्थ लेवल, तो मैं आपको सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि आप इसे डूंगियन में यूज़ करो। तो मिलते हैं एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना।